हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ने एक नई कमेटी गठित की है, जिसमें वो डिसाइड करेंगी क्या लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल तक कर देनी चाहिए। गवर्नमेंट मर्ज टू रिवाइज वोमेंस लीगल एज फॉर मैरिज फ्रॉम 18 to 21। इस कमेटी की घोषणा तो जब हमारा बजट सेशन हुआ था तब निर्मला सीतारमण जी, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा कर दी गई थी। और उनका कहना था कि ये कमेटी 6 महीने के अंदर अंदर गठित कर दी जाएगी, और अब ये कमेटी गठित कर दी गई है। आइए जानते हैं इस कमेटी के बारे में। इस कमेटी में 10 मेंबर होंगे, जो कि अपनी रिकमेंडेशन सबमिट करेंगे 31 जुलाई तक। 31 जुलाई तक जाने की हमें पता चल जाएगा कि इस कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी हैं। इस कमेटी की हेड होगी जया जेतली, जो कि फॉर्मर समता पार्टी की प्रेजिडेंट हैं। और इनमें अदर मेंबर्स इंक्लूडेड होंगे वीके पॉल, मेंबर हैं, और नीति आयोग के मेंबर भी हैं। साथ ही साथ में इसमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के मेंबर्स भी इंक्लूडेड हैं। ये कमेटी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखेगी, जैसे कि मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जो माएँ अपने बच्चों को जन्म देते समय ही मर जाती हैं उनके बारे में, माता का न्यूट्रिशन लेवल और बच्चों का भी, यानी कि उनमें पोषण तत्वों की जो कमी पाई जाती है उसे हम कैसे दूर कर सकते हैं, एज ऑफ मदरहुड यानी कि मातृत्व की उम्र, और मेडिकल वेलबींग ऑफ चाइल्ड एंड मदर यानी कि जो माताओं का और बच्चों का स्वास्थ्य संबंधी ध्यान है उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री जान लेते हैं। हमारे जब इंडियन पैनल कोड लाया गया था, जब ब्रिटिशर्स के समय मैरिज की एज डिसाइड करने की बातें हो रही थी, तब सबसे पहला कानून लाया गया था इंडियन पैनल कोड ऑफ 1860। इसमें क्या किया गया था, क्रिमिनलाइज कर दिया गया था जो भी कोई 10 साल से कम लड़की के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है, उसे क्रिमिनलाइज कर दिया गया था। पर ध्यान देने की बात है, यहाँ पर मैरिज वर्ड नहीं लिखा हुआ है, यानी कि। और इसके बाद जब हमारा इंडिपेंडेंस मूवमेंट आगे बढ़ने लगा, तब साथ साथ में वोमेन का भी मूवमेंट बढ़ने लगा। वोमेन भी अपने हितों में सोशल रिफॉर्म्स की मांग करने लगी, यानी कि सामाजिक परिवर्तन, उन्हें भी बराबरी का हक दिया जाए और उनकी जो शादी की उम्र में बदलाव है किए जाएं। तब भी जाकर एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया 1927 में। उसके अंदर जो 12 साल की यानी कि 12 साल से कम लड़कियों की उम्र की शादियाँ हो जाती थी उन्हें इनवैलिड करार दे दिया गया। पर ध्यान दीजिए, यानी कि 12 साल से जो कि ऊपर की लड़की हैं उनकी शादी सरकार की नज़र में वैलिड है, वो कोई गलत काम नहीं है। बट लोग इससे भी खुश नहीं थे, उन्होंने और आगे डिमांड की, आगे धरने प्रदर्शन किए, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल लीडर्स को भी प्रेशराइज किया गया, प्रेशर डाला गया सरकार पर भी कि आगे इसकी एज और भी आगे बढ़ा देनी चाहिए। इतने प्रेशर के बाद तब सारदा एक्ट लाया गया, जो कि 1929 में लाया गया था। इसका पर्टिकुलर नाम है, ऑफिशियल नाम है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 1929। इसमें लड़कियों की उम्र 14 साल और लड़कों की उम्र 18 साल तक फिक्स कर दी गई, पर इस कानून को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया अच्छे से, क्योंकि तब भी हमारे कुछ जो लीडर्स थे वो अच्छे से नहीं सोच पाते थे। उनकी जो सोच थी वो कंजर्वेटिव माइंड की थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1910 में जब इस बिल को लाने की बात की जा रही थी, तब बाल गंगाधर तिलक जैसे लीडर्स ने भी इसका विरोध किया था और कहा था कि ये हमारे हिंदू धर्म के कानूनों के खिलाफ हैं, और आप ब्रिटिश सरकार को इसमें इंटरफेरेंस करने से मना किया गया था। और मदन मोहन मालवीय ने भी इसका विरोध किया था, बट आगे चलकर सारे लीडर्स मान गए थे। बट इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो बहुत ही बेकार थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स नहीं चाहते थे कि वो हिंदू और मुस्लिम कम्युनिस्ट ग्रुप्स का भरोसा तोड़ दें, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम लोग नहीं चाहते थे कि ब्रिटिशर सरकार यानी कि जो ब्रिटिशर सरकार हैं वो हमारे कामों में हस्तक्षेप दें और हमारे धर्म के मामलों में बीच में बोलें। इसलिए तब ये कानून अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इसलिए इस कानून को डेड लेटर भी कहा जाता है, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हो पाई थी। उस समय 2 साल तक सिर्फ 100 लोगों को इसके अंदर कन्विक्ट किया गया था, और बाद में उनमें से भी अधिकांश लोग छोड़ दिए गए थे। इस एक्ट में ये तो बताया गया कि लड़कियों की उम्र 14 साल तक होनी चाहिए शादी के लिए, बट अगर कोई ऐसा करता पाया जाता है तो उसे क्या सज़ा होगी और इसके लिए क्या नियम है, उसका कोई भी व्याख्या नहीं की गई थी। और सबसे बड़ी बात, इनमें जो प्रिंसली सेठ थे, यानी कि जो हमारे राज्य के जो हमारे प्रिंसली सेठ थे उस समय के, जो कि इंडिया का 40% हिस्सा कवर करते थे, उन्हें इसमें एग्जम्पशन दे दी गई थी, क्योंकि उन्हें सरकार को अंग्रेजी सरकार को पता था कि प्रिंसली स्टेट इनसे
राजी नहीं होंगे और उन्हें खुश रखने के लिए उन्हें इस कानून से एग्जम्पशन दे दी गई थी। आगे बात करते हैं, जब हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, इंडिपेंडेंस के बाद कानून में बदलाव किए गए और जो हमारा शारदा एक्ट था 1929 का, उसे अमेंडमेंट की गई 1978 में। इसमें नई एज सेटअप की गई, गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज़ के लिए 21 ईयर्स। आज भी यही एज हमारे इंडिया में इस कानून में चल रही हैं। 2006 में एक एक्ट और लाया गया जिसका नाम था प्रोबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। इस एक्ट में बहुत स्ट्रिक्ट पनिशमेंट रखी गई जो कि चाइल्ड मैरिज में इन्वॉल्व होगा, यानी कि अगर कोई पंडित और मौलवी भी शादी कराता पाया गया छोटी लड़कियों की, तो इसमें उन्हें भी सज़ा हो सकती है, और अगर उनके माँ बाप भी ऐसा करते पाए गए तो उन्हें भी सज़ा होगी, यानी कि स्ट्रिक्ट पनिशमेंट का प्रावधान रखा गया। आगे बट हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म, आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, हमारे इंडिया में पर्सनल लॉज चलते हैं, जैसे कि हिंदू का अलग पर्सनल लॉज है और मुस्लिम का अलग पर्सनल लॉ है। हिंदू मैरिज एक्ट में 1955 में गर्ल्स की एज 18 है और बॉयज़ की एज 21 है, बट और इस्लाम में जो लड़की अपनी प्यूबर्टी की एज, यानी कि मासिक धर्म की एज को अटेन कर लेती है, उसे मैरिज के लिए कंसिडर, उसे उसकी मैरिज को वैलिड कंसिडर किया जाता है। इसके बहुत सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी हो चुके हैं, पर उन्होंने भी इस मुस्लिम कानून को ही माना है, क्योंकि हमारे इंडिया में अभी तक यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू नहीं हो पाया है। इसीलिए जो ये शारदा एक्ट का 1978 का जो अमेंडमेंट किया गया था, उसे इम्प्लीमेंट कराना बहुत ही मुश्किल है। अब आगे बात करते हैं कि जब एक लड़की की शादी जल्दी उम्र में हो जाती है तो उसे क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ सकती हैं। एक तो अनवांटेड प्रेगनेंसी, यानी कि जो लड़कियां माँ नहीं बनना चाहती है पर उन्हें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता है, वो एक प्लान्ड प्रेगनेंसी नहीं कर पाती हैं और उन्हें खतरा बना रहता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का, और उनकी जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट भी है वो भी बहुत हाई होती है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि जो जवान माताओं की मौत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि उनकी छोटी हजमी शादी कर दी जाती है, उन्हें लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज़, यानी कि हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अच्छे से नहीं मिल पाती हैं और उनकी प्रॉपर से एजुकेशन भी नहीं हो पाती है, इसलिए जो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन भी नहीं करा पाती हैं अच्छे से प्रॉपर नॉलेज के कारण से, उनमें उसके और उसके बच्चों के भी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम आती है, यानी कि उनके बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, और सबसे बड़ी बात उन्हें डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा और सेक्स अब्यूज़ का भी सामना करना पड़ता है, और लैक ऑफ एजुकेशन ही इसका सबसे बड़ा कारण है। इसीलिए चाहिए कि सरकार को कि शादी की उम्र आगे बढ़ा देनी चाहिए ताकि लड़कियां अच्छे से पढ़ पाएँ और अपने बच्चों का ध्यान अच्छे से रख पाएँ। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। इफ़ यू हैव एनी फीडबैक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। थैंक यू।